जैसे फुटवर्क कितने लोग कहते हैं कि हमारे पैर नहीं चलते, तो आज मैं उनके लिए बहुत इजी स्टेप लेके आया हूँ। और वो इजी भी इतने अच्छे स्टेप है कि जैसे आप सॉन्ग में चाहो तो उस सॉन्ग में आप कर सकते हो। तो गाइज चलो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज वीडियो को जरूर पूरा देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, तो ही आपको डांस स्टेप आएंगे कौन सा स्टेप कैसे कराया था। आप स्किप करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा पैर कहाँ रखा था, कौन सा हाथ कहाँ नहीं रखना था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला फुटवर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए इजी फुटवर्क है, आपको ऐसे पैर उठाना आपका राइट लेग, ठीक है, और जो आपका लेफ्ट लेग है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट का स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल इसको उससे मिला के रखना है, ठीक है। आप मिलाने के बाद क्या करना है, आप इसको धीरे से स्लिप करोगे, ऐसे करके स्लिप करोगे ऐसे, ठीक है। आप देखो ये स्लिप करके ऐसे गैप आ गया, गैप आने के बाद क्या करोगे, अब ये फिर स्लिप होके जाएगा ऐसे करके, जैसे जैसे स्लिप होता चला जाएगा ये ऐसे पैर आपका आपकी हील उठती चलेगी। देखो यहाँ से मैंने इसको स्लिप करा ऐसे आ गए, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको यहाँ लेके गए, फिर ये यहाँ पे आ गए, फिर ये स्लिप करते लेके गए, फिर यहाँ पे आ गए। अब देखिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ स्लोली स्लोली, ये पैर उठाया मैंने, ठीक है, आपकी एक हील उड़ गई मेरी राइट लेग की और लेफ्ट लेग मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। अब पहले मुझे लेफ्ट लेग को स्लिप करूंगा और उसके पीछे पीछे ये नीचे हो जाएगा, ये फोर्स लगेगी ना इससे राइट से, तो ये नीचे हो जाएगा, ये वाला पैर मेरा पीछे चला जाएगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आपको उसको धीरे से स्लिप करके यहाँ लाना, फिर ये ऊपर उठ जाएगा, फिर आप इससे इसे फोर्स लगाओगे तो ये स्लिप होगा, ये नीचे हो जाएगा, फिर आप पास लाके फिर इसे फोर्स करोगे तो ये फिर ये पोजीशन लेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मेरा राइट की तरफ से, मेरा लेफ्ट में कैसे जाना, अब देखो उसका अपोजिट साइड कैसे करना, फिर सेम ऐसे पैर उठा के लाए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल क्लोज रखना, क्लोज रखोगे तो ही आप इसको पीछे वाले पैर को स्लिप कर पाओगे, यहाँ से आप इसे स्लिप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे रखा, उसके बाद इसको धीरे से स्लिप करा और ये नीचे, ठीक है, आप इसको धीरे से लेके आएंगे हम आगे, फिर ये स्लिप करा, फिर ये नीचे, फिर ये स्लिप, फिर ये नीचे हो गया। दोबारा देखिए दोनों तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको, 1 and 2 and 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उठाना पड़ेगा आपका राइट लेग ऐसे करके, ठीक है, राइट लेग ऐसे उठाओगे आप। आप भी देखो कैसे उठाओगे, इसका बेसिक देखो, ये मेरा लेफ्ट है, राइट जब आपका उठेगा तो हल्का सा लेफ्ट के आगे जाके उठेगा, इसके बिल्कुल क्लोजर नहीं उठेगा, थोड़ा सा पैर आगे आगे जब उठाना आपको, लेकिन दोबारा से ये ऐसे ले गए, फिर ये ऐसे उठ गया, ठीक है। अब ये वाला पैर मेरा नीचे हो गया राइट जो उठा था, अब लेफ्ट इससे थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर ये ऊपर हो जाएगा, देखो आपको दिख रहा होगा मेरा नी बैंड हुआ हुआ, ठीक है, फिर ये हो गया, उसके बाद ये फिर नीचे जाएगा और फिर ये वाला पैर आगे गया, ये ऊपर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही फिर ये दोबारा नीचे होगा, फिर ये वाला पैर जाके आगे, फिर ये ऊपर हो जाएगा ऐसे, फिर ये धीरे से नीचे, फिर ये वाला लेग गया आगे और ये ऊपर, फिर ये नीचे हो जाएगा। अब देखो दोबारा से दिखाता हूँ मैं इस साइड से, ये ऐसे लेके गए, ये ऊपर हो गया, फिर ये नीचे, ये आगे, ये ऊपर, फिर नीचे, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो मैं फास्ट में करूंगा कैसे करूंगा, 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 3 4, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड स्टेप जो फुटवर्क का। अब देखिए फुटवर्क का थर्ड स्टेप मैं आपको और बताता हूँ, और फिर फोर्थ, चार स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप देखिए क्या करना आपको, थर्ड स्टेप भी इजी है। अब आपको वैसे पैर उठाना अपना ऐसे ना, जैसे मैंने आपको पहले वाले बताया था ऐसे पैर उठाना है, ठीक है, बट अब आपको ऐसे स्ट्रेट नहीं होना ना, ऐसे रखना, थोड़ा सा इसको टिल्टेड रखना, मतलब थोड़ा साइड में रखना इसको ना। अब क्या करना, ये वाला जैसे पैर उठाया हमने मेरा राइट वाला, ठीक है, अब मैं इसको स्लिप करूंगा यहाँ साइड में,
ये यहाँ साइड में ही होगा ना बीच होगा, ये भी थोड़ा तिरछा सा यहाँ होगा साइड में, ठीक है। जैसे ये पीछे गया, ये वाला पैर मेरा देखो नीचे आ गया है, ये उठाया और ये नीचे आ गया, ठीक है। अब उसी तरह ये वाला पैर यहाँ रखूंगा मैं और इसको स्लिप कर दूंगा पीछे, ठीक है। दोबारा देखो, ये पैर उठाया और ये स्लिप नीचे, ये उठाया पैर, ये स्लिप नीचे, ये पैर उठाया फिर ये नीचे हो गया, ये पैर उठाया फिर ये नीचे हो गया। ध्यान से देखना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, स्किप मत करना। देखो दोबारा से देखो, ये पैर आराम से रखा ठीक है मैंने, और ये स्लिप करना यहाँ पर, ठीक है। अब ये स्लिप हो गया, ये उठ गया मेरा पैर और ये वाला पैर मेरा नीचे हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, इसको स्लिप करके नहीं लाना, इसको हल्का सा उठा के लाओ गया और यहाँ पे ये तुरंत यहाँ जाती है, आप इसको उठा के लाओगे, ठीक है। उसके बाद ये स्लिप होगा यहाँ पर, दोबारा देखिए, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप में क्या करना। तो चलो फोर्थ स्टेप करते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं करना, आपको जो आपका राइट लेग है या लेफ्ट जो आपको सूटेबल लगे आप वहां से स्टार्ट कर लेना। मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, राइट लेग ऐसे आगे लेके जाना, ठीक है। और इसको पूरा सर्कल करके लाओगे आप ऐसे करके, और सर्कल करने के बाद ये पैर आपका वहीं आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, आपको इतना पैर आपका घुमाना कि आपका ये वाला नी जो है वो हल्का सा बैंड हो, हल्का सा बैंड होना चाहिए, ज्यादा नहीं बैंड होना चाहिए। देखिए 1 2, दोबारा देखिए 1 2, दोबारा देखिए 1 2, ठीक है। अब देखिए दोबारा से देखिए कैसे करना है, ये आगे गया पैर और ये स्लोली स्लोली घूम के फिर यहाँ आ गया, ये आगे गया पैर स्लोली स्लोली घूम के यहाँ आ गया, ठीक है। अब दोबारा देखिए, इसको बैंड करा फिर ये घुमा पैर और फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बैंड किया मैंने, राइट लेग बैंड किया, ठीक है, ये लेफ्ट आ गया और ये घूम के फिर यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये होने के बाद अब इसमें ये तो गया हमारा लेग्स मोड, अब करेंगे हम हैंड्स का मोड। इसमें हैंड्स कैसे चलाने, देखिए ये वाला पैर मैंने आगे रखा तो मेरा हाथ ऐसे रखा, ऐसे हाथ खोल के रखना। अब दोनों को एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ घुमाना है और फिर नीचे आ जाएगा, तुरंत नीचे आ जाएगा हाथ, ठीक है। ऐसे दूसरे से करना, ये स्लोली से घुमाया और फिर ये हाथ नीचे आ गया, फिर ये स्लोली घुमाया फिर ये हाथ नीचे आ जाएगा, ये स्लोली से घुमा के ये हाथ नीचे, ये स्लोली से घुमा के ये हाथ नीचे। आई होप सो गाइस, आपको चारों के चारों मेरे ट्यूटोरियल सॉन्ग जो फुटबॉल के थे वो समझ आ गए होंगे सारे स्टेप्स। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।